किरण, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ आप लोगों की दुआ से। आज मैं बना रही हूँ गाजर की दूध वाली मीठी सब्जी, और मैं काफ़ी दिनों बाद आज रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। उसके लिए मैंने गाजर को काट लिया छील कर, और ये मैंने कुछ मसाले लिए, जीरा और अजवाइन, हींग, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और साथ में मैंने कस्तूरी मेथी, दो हरी मिर्च, और ये मैंने धनिया धोकर काट लिया, ये मसाला है लहसुन और अदरक का, ये दूध। चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने कढ़ाई में ये सरसों का ऑयल डाला और उसको गर्म होने के लिए रख दिया। गर्म होने के बाद उसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली और थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा और अजवाइन दोनों चीज मिक्स डाल दी और उनको तड़कने दूंगी। अब इसमें सबसे पहले मैंने हरी मिर्च डाल दी ताकि हरी मिर्च का कड़वापन दूर हो जाए, ये थोड़ी पक जाए। हरी मिर्च पकने के बाद इसमें मैंने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया। अब इनको भी अच्छे से भून लूंगी। इसको चलाते हुए भूने ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि लहसुन चिपक जाता है अगर आप चलाओगे नहीं तो। मसाले को जितना अच्छे से आप पकाओगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, लहसुन और अदरक अच्छे से पक जाए। अभी मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया। अब मैं ये चारों मसाले जो मैंने लिए थे ये इसमें डाल दिया, हल्दी स्वाद के अनुसार, नमक, धनिया और लाल मिर्च पाउडर। अब इनको भी चलाते हुए पका लूंगी। इनको तब तक पकाए जब तक इसका ऑयल ना दिखने लग जाए। ऑयल देखो ऊपर आने लग गया। मसाले को चलाते हुए पकाए। अब इसमें मैंने जो गाजर काट के रखी थी वो मैंने डाल दी, और गाजर को भी इसमें मिक्स कर लूंगी। अब गाजर को अच्छे से पकने दूंगी और इसको मैं ढककर पकाऊंगी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसको मैं अब ढक दूंगी। ये सब्जी जब तक पकती है, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी एक प्यारा सा करें, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अब ये सब्जी पक चुकी, इसमें मैंने 2 चम्मच मलाई डाल दी, बड़ी वाली चम्मच आई, घर की मलाई है ये मैंने डाल दी इसमें, और इस मलाई को भी मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं जो दूध लिया था 1/2 कप दूध डालूँगी इसमें, पूरा दूध मैंने यूज नहीं किया, और इसको पकने दूंगी। और मीठे के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी, 2 चम्मच के करीब। ये दूध वाली गाजर बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर बना कर देखें।
बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। इसमें मैंने थोड़ा कसूरी मेथी और हरा धनिया डाल दिया, वो मैंने क्लिप लेना भूल गई थी। चलिए सब्जी तैयार है, अब इसको सर्व कर लेती हूँ। एक बाउल लिया मैंने, इसमें मैंने सब्जियाँ सारी निकाल ली। एक बार आपको फिर याद दिला दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स भी करें। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया, आप मेरे लिए टाइम निकालते हो और मेरी वीडियो देखते हो। जितना साथ आज तक आपने मुझे दिया, उतना आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ मेरे साथ ही रहेंगे। ये हरा धनिया भी मैंने इस पे डाल दिया और सच में सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगी थी। मैंने ये सब्जी मेरी प्लेट लगा ली थी बच्चों को खिलाने के बाद, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। मैंने परांठे के साथ ये सब्जी ली और साथ में मैंने लस्सी का गिलास लिया। आइए आप लोग भी खा लीजिए, जिसे इसको खाना है और यहाँ नहीं आ सकते तो बनाकर खा लीजिए। देखकर जैसे मैंने बनाई है वैसे आप भी बनाकर खा लीजिए।